बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गाइस ने इसको खुश रखिए और जो भी मांग रहे उससे ज्यादा दीजिए। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे ही तुम्हारे घर आके पॉजिटिव। अगले साल वापस आएंगे। Again and today is the fifth day of Ganesh Chaturthi and आज विसर्जन करना है। It's a hard thing to do, विसर्जन करना। गणपति जी इतने दिनों से हमें अच्छा फील करा रहे हैं, 5 दिनों से ही इज देयर एंड यू नो बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। कॉर्नर ऑफ योर हाउस व्हेन यू एंटर एंड यू सी हिम, आई डोंट नो, पता नहीं, स्थापना करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिव यू नो ऐसा इनर्जी फील होती है। बट नाउ टुडे विसर्जन करना है एंड विद अ पॉजिटिव माइंड इट विल बी नॉट दैट इजी, तो लेकिन करना तो पड़ेगा। सो रोज़ आरती करते थे, सुबह उठ के शाम उठ के गणपति जी के यू नो गाने बजते थे। सो आई ऑलवेज इन्जॉयड यू नो गणेश चतुर्थी फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम माई स्कूल डेज, बिकॉज आई यू नो बट मेरा जो मतलब जितना भी बचपन निकला है वो गुजरात में निकला है एंड गुजरात में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो यू नो हम जहाँ पे रहते थे उस सोसाइटी में रोज़ सुबह शाम मतलब वहाँ पे पांडा लगते हैं, तो वहाँ पे गणपति जी स्थापित होते थे, बहुत बड़े गणपति जी, एंड हर शाम को और सुबह आरती होती थी। हम लोग तो सिर्फ प्रसाद खाने जाते थे, मतलब उस वक्त पे हमें एक्साइटमेंट होता था कि अरे अरे प्रसाद मिलेगा। सो तो उस चीज़ की आदत हो गई यार, हमेशा बाहर लोग स्थापित करते थे बाहर और हम देखते थे। इस बार मैंने खुद के घर में गणपति जी लेके आई एंड स्थापना की एंड रोज़ सुबह शाम आरती की एंड बहुत अच्छा फील हुआ। आई फील गुड वाइब्स एंड गुड एनर्जी। बट अभी आज यू नो तो वो विसर्जन करना पड़ेगा, बट ये प्लेस पूरी खाली हो जाएगी। बट इट्स ओके, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगैन नेक्स्ट ईयर ही विल कम एंड अगेन हम लोग नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। सो यस गाइज, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, सो आई एम वेटिंग फॉर देम और तब तक मैं बनाऊंगी बेसन का हलवा। सो माई मॉम सेड कि बेटा कुछ तो बनाना चाहिए, सो मैंने बोला कि मम्मी यू नो इतना टाइम नहीं है, आप देख सकते हो मेरा कॉलअप, सो काम तो रहता ही है एंड मेरी ऑलिव मेरा बच्चा, हाय मेरा जूना बेबी, इसको भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। जब भी पूजा होती है ये आके बैठ जाती है कि मुझे इसको पूजा होने के टाइम पे एक्साइटमेंट बस एक ही चीज़ का होता है कि मुझे प्रसाद मिलेगा। सो यस गाइस, सम फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग एंड दैट्स गुड एंड वो लोग आने वाले थोड़े दिन में, तब तक मैं थोड़ा सा प्रसाद बना लेती हूँ एंड उसके बाद हम लोग विसर्जन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Okay, so सबसे पहले प्रसाद बनेगा, प्रसाद होंगी, मैडम आई जाएंगे, इनको मतलब खाने का इतना शौक है, कभी भी 24 घंटे खिला दो इनको। क्या खाना है ओलिव, क्या खाना है बेटा, अभी बस प्रसाद बना रही है, प्रसाद बनाऊंगी, आरती होगी उसके बाद खाने को मिलेगा, हाँ बेटे को उसके बाद खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये सब मुँह उठाने से खाना नहीं मिल जाएगा, है ना, कि मुझे खाना दो खाना दो। हाँ, लगी है भूख, लगी वाले अज्जू, ठीक है बेटा, तुम्हें 24 घंटे भूख लगती है, तुम खाती हो उसके बाद तुरंत तुमको भूख लगती है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, कैसे चलेगा जूना बेबी। हाँ मेरा बच्चा, चलो अभी मैं बनाती हूँ प्रसाद, नहीं तो इसके चक्कर में लगूंगी तो टाइम निकल जाएगा। कुछ बहुत क्यूट है, अच्छा ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो खाना नहीं मिलेगा अभी। दिखाओ, ढूंढो, सब ढूंढ रहे हो ना, कुछ नहीं है उधर पे, तुम्हारे रीच पे कुछ नहीं रखा है मैंने।
देश क्या हो रहा है? स्मेल क्या हो रहा है बेटा? स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है उसको बहुत ज्यादा। प्रसाद तो नहीं मिलेगा बेटा, मीठा तुमको वैसे भी बना है, थोड़ा सा मिलेगा मिलेगा भी, वो भी आरती के बाद, विसर्जन के बाद। अभी प्रसाद बन रहा है यार, अपने खाने के लिए बना रहे हैं। आज मैंने ना साड़ी नहीं पहनी बिकॉज इट टेक्स अ एफर्ट एंड आज मेरा ऑफिस का बहुत बहुत काम था, मैं ऑफिस के काम के बीच में ये सब चीजें कर रही हूँ। देखो ऑफिस वालों देखना जरूर ऑफिस का नहीं नहीं टाइम का थोड़ा सा ब्रेक लिया है, छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं है, तो काम काफी ज्यादा है तो इसी के बीच में मैनेज हो रहा है जो हो रहा है। ऑफिस वालों कैसे मैनेज कर रही है, इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। हाँ यार, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो करना ही पड़ता है ना। देखिए हमारे ऑलिव पीछे आगे पीछे Yeah guys, Prashad ban gaya and I am ready for Visarjan and I'm waiting for my friends. They are just about to come. So yeah, I'm very 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 excited and पहली बार विसर्जन कर रही हूँ मैंने अपने हाथों से गणपति जी का, तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है। I don't know कैसे करते हैं but I'll try my best। मैं आसन ग्रहण करके, आप एकदम गणपति जी के स्टाइल में क्यों बैठे हुए हैं आशुतोष जी? हाँ, क्या प्लान है आपका अभी तक? अभी दीपावली लोग आने वाले हैं इन सम टाइम। क्या देख रहे थे? स्नेक्स। आप स्नेक्स देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं स्नेक्स में? तो ये विसर्जन की बात की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ही लव्स फूड। तो क्या क्या ऑर्डर हो रहा है? समोसा, कचौरी और वड़ा पाव। और दोस्तों के लिए हो रहा है ना, तुम तो नहीं खाओगे ना, यू आर ऑन डाइट। बोले मिलो बच्चा भी आ गया, मिला जूना बेबी भी आ गया, कितना क्यूट हुआ है बेबी तू, कितना क्यूट हुआ है। ओले नो बाइटिंग, ओले नो बाइटिंग, तुमको सब चबाना ही होता है बेटा हर जगह। टेस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल शैतानी नहीं करना है, ओके? सुनने की नहीं कुछ भी है, ये बिल्कुल जम करेगी तुम लोगों पे। कम वेलकम वेलकम, आके नहीं रहे लोग। हेलो माय गॉड, सारी वारी एकदम वेलकम करेगी, छोड़ दूं मैं इसको? यू आर यूज्ड टू डॉग्स, आई नो, बैठ जाओ फिर, इसलिए बैठ जाओ। बेचारे ऐसे डरे डरे आए, ऑलिव खाएगी नहीं तुम लोगों को? हाय टू माय ऑडियंस दीपाली, हाय, कितने क्यूट है ना मेरी दोस्त, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू, हाय द्विज। सो ये है क्यूटी बेटा मेरी दीपाली दोस्त का, छोड़ दो छोड़ दो, लुकिंग नाइस, हाँ अच्छी लग रही है। नहीं 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 काटेगा, नहीं काटेगा, कुछ नहीं करेगी, अरे कुछ नहीं करेगी, बैठ जाओ बैठ जाओ।
This kind of thing is happening. Ah, sticker law. अगले बरस तुम जल्दी आना मोरे आरे बप्पा मोरे आरे। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत ही अच्छा। अच्छा फील आ रहा है? कैसा पॉजिटिव लगा घर आके? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे ही तुम्हारे घर आके पॉजिटिव। थैंक यू, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। और अब तो नहीं लग रहा है डर ऑलिव से? थोड़ा बहुत लग रहा है। कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो बस एक्साइटेड थी। अरे यार चले गए गणपति बाप्पा, अगले साल वापस आएंगे। हाँ यार, मतलब अजीब सा लग रहा है बट आई एम हैप्पी। आ ही जाएंगे यार। भगवान आप तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरे करे दीपाली। तुमने जो भी चिट्ठी में डाला हो
भगवान आप इनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करिए, एक एक जो भी मांगा है इसने उसको खुश रखिए, और जो भी मांग रहे हैं उससे ज़्यादा दीजिए। ओह माय गॉड, जो भी मांग रही है उससे ज़्यादा दीजिए मेरे दोस्त को, बस खुश रहे और क्या चाहिए। चलो अगले बार सब जल्दी आना भगवान, खाली हो गया।